वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हमारे साथ है, जिन्होंने पहला बजट अपना पेश किया। पहला बजट, हर जगह आपने फोकस किया है, आपके हिसाब से इस बजट का विजन क्या है? देखिए, इसका विजन है विकसित राजस्थान एट 2047। एक विकसित राजस्थान का जो फाउंडेशन है उसकी हमने स्थापना की है, उसकी नींव रखी है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान गया है, युवाओं को सशक्त करने के लिए रोजगार पे भी इस बार ध्यान दिया गया है, महिला सशक्तिकरण हो, चाहे हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, सभी क्षेत्रों पे ध्यान दिया। पानी सबसे ज्यादा जरूरी था राजस्थान। पानी को आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने आते ही, मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत ही ERCP परियोजना लेकर आए, उसके बावजूद, उसके अलावा यमुना जल समझौता भी किया और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भी आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उसके लिए भी इस बजट में बहुत कुछ कहा गया है। तो ये सभी कुछ है। एक लास्ट क्वेश्चन, धार्मिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है खाटू श्याम जी के लिए? बिल्कुल बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा, हम विशाल कॉरिडोर बनाएंगे जैसे अयोध्या में और काशी में बनाया गया। धन्यवाद। तो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया, बता रही हैं विजन किस तरह का बजट था, धार्मिक कॉरिडोर के बारे में बता रही है, योजनाओं के बारे में बता रही है और कह रही है कि 2047 को ध्यान में रखकर यह पूरा बजट बनाया गया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।